का और ये वाला देखो ये वाला मेरे ट्रेल जो था वो के बाद में मुझे वाला तो आज के दिन में अभी जो मार्केट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगभग छह सात लाख ,00 रुपए यहाँ पे मिल जाते आप सभी का स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में तो कौन कहता है कि एफ के अंदर पैसा नहीं बनता आज के प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो आज के दिन में हमारा प्रॉफिट है लगभग वन लाख सिक्सटी थाउजेंड का और ये वाला देखो ये वाला मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल जो था वो हिट होने के बाद में मुझे एक लाख सिक्सटी थाउजेंड पर इसको हम कट कर रहे हैं लेकिन ये वाला मेरे कितने पे जा रहा था लगभग दो लाख के आसपास का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट रहा था अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता स्टॉप लॉस ट्रेल वाला तो आज के दिन में अभी जो मार्केट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगभग छ सात लाख रुपये यहाँ पे मिल जाते और इसके देखो सबसे मेन बात अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको तो अगर हम बात करें तो इसके पीछे का जो पी एन एल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि इसका जो वेरीफाइड पी एन एल है सेंसिबल वेरीफाइड पी एन एल आपके साथ शेयर नहीं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको भी जाके आप चेक कर लीजिएगा और अब बात आती है कि अगर अगर आप लोग मेरी इंस्टा स्टोरीज़ वगैरह चेक करते हो इंस्टा पे फॉलो करते हो तो वहाँ पे मैंने एक दो दिन पहले एक स्टोरी लगाया था तो लगभग वहाँ पे मुझे लग जो सॉरी लगभग मेरा वहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड का रनिंग चल रहा था लेकिन वहाँ पर मेरा वो कितने पर गया था लगभग गया था एक तक और उसके उस वाली जो मेरा जो ट्रेड था उसके अंदर मेरी क्वांटिटी थी 5100 और आज के दिन में मेरी क्वांटिटी इसके अंदर है 5400 की तो यहाँ पे क्वांटिटीज के बीच में इतना डिफरेंस क्यों आ गया मतलब अचानक से स्केल्पिंग क्योंकि मैं जो प्रीवियस वीडियोस देखेंगे स्केल्पिंग बेस्ड थी लेकिन अब भी मैं होल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ कि यहाँ इसके अंदर होल्ड करके ला रही हूँ मैं और इसके पीछे का रीज़न क्या सोलड रीज़न क्या ऐसे ही नहीं मैं यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं सुबह सुबह मार्केट के अंदर पैसा लेके आ जाते हैं बाई सेल करते हैं प्रॉफिट होता ठीक है लॉस होता तो भी ठीक है लेकिन मैं इसके पीछे ऐसे ही नहीं उसके पीछे मेरा एक रीजन है क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर क्या होता है कोई इवेंट होता है कोई न्यूज होती है तब भी ऐसे बड़े बड़े पोजिशन हम बना सकते हैं मतलब मार्केट के अंदर जो शिफ्ट करते हैं किसी भी एक नए फॉर्म के अंदर तो उसके पीछे का जो सेटअप है वो सब की हम बात करेंगे और साथ ही में क्या है कि इसके पीछे का रीज़न जो था आज के दिन में मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर ऑल टाइम हाई लग चुका है लगभग अभी मार्केट अभी कंटिन्यू कर रहा है तो उसके मुझे सुबह मतलब आज सुबह से इसके बारे में पता था कि मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई बन सकता पॉजिटिविटी सुबह से ही थी तो वो सब का डेटा रीड जो मैंने किया था वही आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप भी इस डेटा को रीड कर सकते हैं प्राइजेक्शन आपको किस तरीके से मार्केट के अंदर इस रैली के बारे में बता सकता है तो आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है लेकिन इस वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना और एक बात जो मैं आपको हर बार हर वीडियो में बोलती हूँ बार बार बोलूंगी भी कि हर दिन जो एफ के अंदर हर दिन ट्रेड करता है वो लॉस में रहता है तो आपको हर दिन ट्रेड नहीं करना मेरे भी हर दिन आपको देखेंगे वो वीडियोज़ भी नहीं रहता हर दिन ट्रेड्स भी मैं नहीं करती हूँ मेरा सेटअप जहाँ पे मुझे एंट्री लेने के लिए बोलता है और जहाँ पे एग्जिट लेने के लिए बोलता है प्राइजेक्शन जो मेरा बोलता है मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेज उसी के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह लेती हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कमेंट करके बताएगा वीडियो कैसा लगा और शेयर जरूर करिएगा तो स्क्रीन पे आगे बढ़ने से पहले आपको मैं जो मेरा एनालिसिस था मेरा जो ट्रेड था उसको एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके पीछे का मेन रीज़न क्या क्योंकि मुझे मतलब आज सुबह से ये पॉजिटिविटी थी कि मार्केट के अंदर एक रैली आ सकता है वन वे मूव आ सकता है एक ट्रेंड आ सकता है तो उसके पीछे का रीज़न मुझे कैसे पता था तो मैं आपको बताऊँ तो इवेंट्स वगैरह होते हैं या फिर न्यूज़ वगैरह होती है तो इवेंट्स अभी क्या चले इलेक्शन चल रहा है उसका भी अभी रिजल्ट आने वाला फोर्थ ऑफ जून को लेकिन उसको हम रिलेट नहीं करेंगे इसके साथ में अगर हम मैं बात करूँ आपको मेन रीज़न जो के पीछे का तो वो है अगर आप न्यूज वगैरह ट्रैक करते हो तो डिविडेंट गंग सेक्टर्सिटिव आज के दिन में जो मार्केट निफ्टी 23,000 जो हमारे राउंड लेवल आ रहा है साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है उसके पास में ट्रेड कर रहा तो ये वाला मूव कल के दिन में भी हो सकता था क्योंकि कल के दिन में भी निफ्टी तो पॉजिटिव था बट बैंक निफ्टी वॉज नेगेटिव क्योंकि बैंक निफ्टी क्या कर रहा था वो स्लोली डाउन जा रहा था निफ्टी जो उसी रेंज के अंदर इस चक्कर में क्या हुआ कल मार्केट कल के दिन में बैंक निफ्टी एक्सपायरी भी था कंप्लीट साइडवेज कल के दिन क्लोज हुआ मैं वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रही थी उसको मैं स्क्रीन पे आपको बताती हूँ अगला मेरा रीजन क्या था कि वहाँ पर मेरा डेटा क्या बता रहा था कि यहाँ पर मार्केट हमें एक रैली दे सकता है या फिर आज के दिन में भी मार्केट एक्सपायरी की वजह से साइडवेज क्लोज होता तो वो सब मैं आपको स्क्रीन पर बताती हूँ अभी तो भाई इसके पीछे का मेन रीज़न अभी निफ्टी चल रहा है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एक राउंड लेवल अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो देखो सबसे मेन रीज़न यहाँ पे मैं आपको बताऊँ देखो भाई इसको थोड़ा हटा देते हैं पहले ताकि आपको अच्छे से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ ये देखो कल के दिन निफ्टी पॉजिटिव था लेकिन बैंक निफ्टी उसके साथ में नहीं था फेवर नहीं कर रहा था क्योंकि दोनों इंडेक्स हमारे जो सिंक में मूव करते हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ जाती है कि हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ यहाँ पे मार्केट के अंदर एक एक साइड का मेरे प्रिडिक्शन हो जाता है कि कहाँ जाएगा अब मेरा क्या था कल के दिन में सेम आज के दिन वाला सेटअप अगर कल बन रहा होता तो मैं कल ही इसके अंदर पोजिशन हम बना के चलते अब यहां पर कल क्या था मेरा फाइव ट्वेंटी लेवल फाइव ट्वेंटी लेवल कल के दिन में बैंक निफ्टी तो नेगेटिव था लेकिन निफ्टी ने क्या किया कल के दिन में एक बार भी यहाँ पे 520 का जो, जो जोन था इसको इसने हटाया नहीं था मतलब ये जो 520 वाला जोन है इसके नीचे निफ्टी ने क्लोज नहीं किया था एक प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी थी बड़े टाइम फ्रेम पे भी हम बात करें क्योंकि ये मैंने अभी है ये वन आवर टाइम फ्रेम पर इसको हम निकालते हैं अभी फाइव मिनट्स पर ठीक है तो फाइव मिनट्स पर भी आ चुका है तो अब कल के दिन में सबसे मेन था हमारा फाइव ट्वेंटी का लेवल और उसके बाद में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि डे एंड तक डे एंड से पहले सॉरी डे एंड से पहले भी अगर मार्केट यहाँ पे मेरे को सिक्स हंड्रेड के ऊपर जो हमारा सिक्स हंड्रेड एक राउंड लेवल था और सिक्स ट्वेंटी वन दो लेवल्स मैंने निकाल रखे थे तो सिक्स ट्वेंटी वन और सिक्स हंड्रेड के ऊपर क्लोज़ करता कल के दिन में तो थोड़ा और यहाँ पर बन जाता लेकिन कल मार्केट ने डे एंड जो लास्ट कैंडल्स थी वहाँ पर जाके इसने क्लोज़ किया था इस चक्कर में यहाँ पर क्योंकि अब मेरा यहाँ पर आज के दिन में क्या था कि मार्क जो आर वाली न्यूज़ है उसके चक्कर में अगर मार्केट आज गैप अप ओपन हो जाता क्योंकि एक बढ़िया न्यूज़ है तो इस चक्कर में अगर गैप अप ओपन होता तो यहाँ पे मैं मेरी पोजीशंस वगैरह नहीं बना पाती लेकिन क्या हुआ मार्केट एग्जैक्ट फ्लैट ओपन हुआ था जहाँ पे कल क्लोजिंग दिया था सेम वहीं पर ही आज के दिन में मार्केट ने यहाँ पर इसको ओपन किया था अब मैंने क्या किया इस चीज़ का फ़ायदा उठाया क्योंकि अगर मार्केट गलती से भी इस पोजिशन को निकाल देता तो मैं यहाँ पर पोजिशन्स वगैरह नहीं बना पाती और सुबह ही मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपनी पोजिशंस एड ऑन करी और भी देखो एक लाख साठ हजार का प्रॉफिट तो हो गया लेकिन थोड़ा सा दुख हो रहा है उसके पीछे का मैं रीजन बता दूं क्योंकि मेरा डेटा मुझे कुछ और ही कह रहा था यहाँ पे अब यहाँ पे मैं आपको जो आज के दिन में एक और जो रीजन था हमारा डेटा इस वाले डेटा को ट्रैक करके आप एफ जो होते हैं जो हमारे मार्केट के अंदर दबा के जो मोटी पार्टी जिसको बोलते हैं मोटा पैसा लगाते हैं उसका जो डेटा है वो मैं ट्रैक करती हूँ तो वो मुझे क्या बोल रहा था कल के दिन के लिए तो हम आ जाते हैं यहाँ पे तो कल के दिन में देखो ये वाला है ट्वेंटी सेकेंड में तो कल के दिन में ये वाला डेटा क्या था नेट बुलेट्स था और इसके अंदर आप रेड वाली जो कैंडल देखेंगे ना रेड वाली एफ का पुट का मतलब कि वो यहाँ पर जो हेज पोजिशन बना के लेके जाते हैं इसके बेसिस पे कि तो वो क्या है कम्प्लीटली आप देखेंगे तो कंप्लीटली यहाँ पे ब्लैंक की एक तरीके से तो मतलब वो नेट बुलेट्स थे कल के दिन के लिए तो इस चक्कर से क्या पता चला कि इन्होंने क्या बनाया है ये लोग भी जो हमारे कल के दिन में सिक्स हंड्रेड सिक्स ट्वेंटी वन का जो एक जोन था एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन करना क्योंकि मार्केट क्या करता है ऑल टाइम हाई या फिर किसी जोन के आसपास जाके करेक्शन लेता लेकिन क्या वो सस्टेन किया और यही हमारी पोजिशंस हमें बता रही थी कि मार्केट इस वाले जोन के आसपास से अभी एक पुलिस साइड हमें देखने को मिलेगा ऑल टाइम हाई यहाँ पे बन सकता है एग्जैक्ट ये वाली चीज़ को ही लेके मैं कॉन्फिडेंट थी आर वाला न्यूज़ भी था मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था इस चक्कर में मैंने आज के दिन में सुबह ही सुबह ही मैंने अपनी पोजिशंस यहाँ पे बनाई थी अब देखो ये सब चीज़ें तो हो गई है अब बात आती है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे दुखी क्यों हूँ यहाँ पे कि इतना एक एक लाख साठ हज़ार का प्रॉफ़िट है लेकिन नहीं एक लाख साठ हज़ार का कुछ भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है तो हमारा जो मेरा रीज़न है दुख दर्द पीड़ा वाला वो मैं आपको बताती हूँ वो ये वाला रीज़न है देखो मैंने क्या बाय किया था मैंने बाय किया था ट्वेंटी टू नाइन हंड्रेड का कॉल ठीक है अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया आज के दिन में आज के दिन में मैंने सुबह ही इसके अंदर पोजीशन बना ली थी लगभग मैंने 66 पे इसको बाय किया था और इसको मैंने कट कहाँ पे किया था मैंने इसको कट किया था 96 पे कट किया था और लगभग जिस टाइम पे मैंने इसको मतलब कट किया था उस टाइम पे इसने ऑल टाइम हाई लगभग सॉरी uh, उस टाइम ये 102 के आसपास में तो मेरे यहाँ पर लगभग दो लाख रुपये के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर शो हो रहा था लेकिन क्या हुआ फुल्ली कॉन्फिडेंट थी आज के दिन में मार्केट का जो सेटअप जो डेटा जो रीज़न बन रहे थे उसके बेसिस पे फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम वन आवर टाइम फ्रेम वन डे टाइम फ्रेम पर प्रीवियस जो डेज थे उसके बेसिस पे भी यहाँ पे तो मैंने क्या किया इसको मेरा पूरा मन था कि आज इसको होल्ड करके जाएंगे क्योंकि लगभग मेरे को यहाँ पे चाहिए था सौ रुपये के आसपास या फिर डेढ़ सौ रुपये वन फिफ्टी के आसपास में इसको सोच रही थी अब देखो मैंने यहाँ पे इसको कट किया था लगभग यहाँ पे नाइन्टी सिक्स के अराउंड लगभग इसी के आसपास पे क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या था ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस जा जो था वो वहाँ पर हिट हो गया तो ये वाली आप कैंडल देखेंगे ना आप ये वाली कैंडल इसने सारा मूड मेरे यहाँ पे ख़राब कर दिया था क्योंकि ये इस कैंडल ने लो कितने पे लगाया था ये देखिए इसने लगाया था सेवनटी सिक्स पे सिक्सटी सिक्स पर मैंने बाइक किया था लगभग दस रुपये के आसपास का डिफरेंस चल रहा था लेकिन ट्रेलिंग ऐसा हिट हुआ और मेरे यहाँ पर एक साथ पे एंट्री एग्जिट हो गया चलो बढ़िया है वो तो लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या हो गया कि इस वाली के बाद में अभी मार्केट कितने पे ट्रेवल किया है मार्केट ने लगभग दो सौ के आसपास दो बारा का दो बारा का मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया लेकिन वो मेरा यहाँ पर नहीं हो पाया स, देखो सबसे मेन चीज़ एक चीज़ और मैं बता दी तो चलो ये तो कोई बात नहीं जो भी है सही है लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोबारा एंट्री यहाँ पर मेरी दोबारा से अगर एंट्री यहाँ पर बनती क्योंकि टाइम फ्रेम पर जो थे अलग अलग रीजनस पे वहाँ पर एंट्री बन रही थी उसके बाद में भी अगर हम एंट्री बनाते हो तो लगभग यहाँ पे मेरे को 133 का प्रॉफिट यहाँ पे हो और हो सकता था क्योंकि मेरे आज के दिन में टारगेट कितना था वन ट्वेंटी का वन ट्वेंटी का मेरा आज के दिन में टारगेट था लेकिन ये वाली कैंडल ने हमारी एंट्री एग्जिट कर दी और इसी के साथ में देखो एक चीज़ मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि एक बार भी जिस ट्रेड के ऑप्शन बाइंग के अंदर इस चीज़ को ध्यान में रख ली ले, ले रख लेना कि एक ट्रेड के अंदर आपकी एंट्री अगर कट होगी चाहे आपको यहाँ पे लॉस हो रहा हो चाहे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा हो तो वहाँ पे आपको हर कहीं पर एंट्रीज वगैरह नहीं बनानी है ओवर ट्रेड्स तो बिल्कुल भी नहीं करें यही मेरे एक पॉजिटिव साइड है मैं ओवर ट्रेड्स को अवॉइड करती हूँ सो so, अभी के लिए जो भी मतलब अभी तीन बजने वाले थ्री पीएम कैंडल को हम इसमें अवॉइड करेंगे जो भी है इसको लेके निकलेंगे ओवर ट्रेड्स आपको नहीं करना है जो आपका सेटअप आप, आपको एंट्री बोलता है वही सब है डेटा आपको जो बोलता है जो रीजंस रहते हैं न्यूज़ इवेंट्स सबको ट्रैक करना होता है और साथ ही में देखो आज के दिन में जो भी मतलब हमारा जो प्रॉफिट हुआ है अब सबसे मेन बात तो मैं आपको इसके अंदर ये बता देती हूँ कि जो डेटा मैंने इसके अंदर आपको मैंने दिखाया था एफ आई का डेटा अगर इस वीडियो को आप लाइक करते हैं कमेंट करते हैं शेयर करते हैं सपोर्ट करते हैं तो इससे बेसिस इसके ऊपर जो डीप नॉलेज पे वीडियो है एफ का डेटा वगैरह और अगर डे कुछ डेटाज होते हैं उसको कैसे ट्रैक करना तो उस पर मैं फुल वीडियो बनाऊँगी फुल्ली नॉलेजपल वीडियो के बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा कमेंट करके बताएगा यह वाला वीडियो आपको कैसा लगा थैंक यू so much